वृषभ सेना के कंबल को पहचान लिया। उनकी आंखों से आग की चिंगारियां निकलने लगी। महारानी वृषभ सेना का कंबल इसके पास क्यों और कैसे गया? वह उसी समय वहां से भागा और तेज घोड़े पर सवार होकर बहुत दूर निकल गया। उसे भागा देखकर उग्रसेन का संदेह और बढ़ा। तब उन्होंने मेघपिंगल को पकड़ लाने के लिए अपने सवारों को दौड़ाया। यदि मैं संकट से बचूंगी तो दीक्षा लेकर अपना सारा जीवन धर्म ध्यान में लगाऊंगी। राजाज्ञा के अनुसार समुद्र में डाल दी गई। लेकिन स्वर्ग के देवों ने उसी समय आकर वृषभ सेना को एक अमूल्य सिंहासन पर अधिष्ठित किया, उसका जय जयकार मनाया। शील सम्राज्ञी रानी वृषभ सेना की जय। शील सम्राज्ञी रानी वृषभ सेना की जय। जैन डिजिटल पाठशाला। औषध दान की कथा। कावेरी नगर में राजा उग्रसेन का शासन था। उग्रसेन प्रजा के सच्चे हितैषी और राजनीति के अच्छे पंडित थे। इसी नगर में धनपति नाम का एक सेठ रहता था और उसकी धनश्री नाम की सेठानी थी। पूर्व पुण्य से इन दोनों को वृषभ सेना नाम की एक देव कुमारी जैसी सुंदर लड़की हुई। वृषभ सेना की धाय रूपवती उसे सदा नहलाया धुलाया करती थी। उसके नहाने का पानी बह बह कर एक गड्ढे में जमा हो गया था। एक दिन की बात है, रूपवती वृषभ सेना को नहला रही थी। इसी समय एक महारोगी कुत्ता उस गड्ढे में गिर पड़ा जिसमें वृषभ सेना के नहाने का पानी इकट्ठा हो रहा था। क्या आश्चर्य की बात है कि जब वह उस पानी में से निकला तो बिल्कुल निरोग दिख पड़ा। रूपवती उसे देखकर चकित हो गई। उसने सोचा, केवल साधारण जल से इस प्रकार रोग नहीं जा सकता, यह तो वृषभ सेना के स्नान का पानी है। लगता है वृषभ सेना मनुष्य रूपिणी कोई देवी हो, नहीं तो इसके नहाने के जल में ऐसी चकित करने वाली बात हो ही नहीं सकती। इस पानी की और परीक्षा कर देख लूं, जिससे और भी दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यह पानी सचमुच ही क्या रोगनाशक है। तब रूपवती उस पानी को लेकर अपनी माँ के पास आई। उसकी माँ की आँखें 12 वर्षों से खराब हो गई थी, इससे वह बड़ी दुख में थी। रूपवती ने माँ की आँखों को इस जल से धोकर साफ किया और देखा तो उनका रोग बिल्कुल ठीक हो गया। वे पहले जैसी बड़ी सुंदर हो गईं। रूपवती को वृषभ सेना के महापुण्यवती होने में अब कोई संदेह न रह गया। रोग नाश करने वाले जल के प्रभाव से रूपवती की चारों ओर बड़ी प्रसिद्धि हो गई। दूर दूर से रोगी अपने रोग का इलाज कराने के लिए आने लगे। आंखों के रोग को, पेट के रोग को, यही नहीं किंतु जहर संबंधी असाध्य से असाध्य रोगों को भी रूपवती केवल इसी पानी से दूर करने लगी। इससे रूपवती बड़ी प्रसिद्ध हो गई। उग्रसेन और राजा मेघपिंगल की पुरानी शत्रुता चली आ रही थी। इस समय उग्रसेन ने अपने मंत्री रणपिंगल को मेघपिंगल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। रणपिंगल ने सेना लेकर मेघपिंगल पर चढ़ाई की और उसके सारे देश को घेर लिया। मेघपिंगल ने शत्रु को युद्ध में पराजित करना कठिन समझा, अतः उसने दूसरी युक्ति से उसे देश से बाहर निकालने की योजना बनाई। शत्रु की सेना में जिन जिन कुएं बावड़ी से जलाता था, उन सब में अपने चतुर जासूसों द्वारा विष मिलवा दिया। फल यह हुआ कि रणपिंगल की बहुत सी सेना तो मर गई और बची हुई सेना को साथ लिए वह स्वयं भी भागकर अपने देश लौट आया। उसकी सेना पर तथा उस पर जो विष का असर हुआ था, उसे रूपवती ने वृषभ सेना के स्नान के जल से आराम कराया। रणपिंगल का हाल सुनकर उग्रसेन को मेघपिंगल पर बड़ा क्रोध आया। तब उन्होंने स्वयं उस पर चढ़ाई की। मेघपिंगल का चक्र उग्रसेन पर भी चल गया।
जहर मिले जल को पीकर उग्रसेन की भी तबीयत बहुत बिगड़ गई। तब जितनी जल्दी बन सके उन्हें अपनी राजधानी में लौट आना पड़ा। उनका भी बड़ा ही अपमान हुआ। उन्होंने रणपिंगल से उसे कैसे आराम हुआ था इस बारे में पूछा। रणपिंगल ने रूपवती का जल बतलाया। राजा उग्रसेन ने उसी समय अपने नौकरों को जल लाने के लिए सेठ के पास भेजा। अपनी लड़की का स्नान जल लेने को राजा के नौकरों को आया देखकर सेठानी धनश्री ने स्वामी से कहा, क्यों जी, अपनी वृषभ सेना का स्नान जल राजा के सिर पर छिड़का जाए, ये तो उचित नहीं लगता। तुम्हारा यह कहना ठीक है, परंतु जिसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं तब क्या किया जाए, इसमें अपने बस की क्या बात है। हम तो न जानबूझकर ऐसा करते हैं और न सच्चा हाल किसी से छुपाते ही हैं। तब इसमें अपना तो कोई अपराध नहीं हो सकता। यदि राजा साहब ने पूछा तो हम सब हाल उनसे यथार्थ कह देंगे। दोनों ने विचार कर रूपवती को जल देकर राजा उग्रसेन के महल पर भेजा। रूपवती ने उस जल को राजा के सिर पर छिड़क कर उन्हें आराम कराया। उग्रसेन रोग मुक्त हो गए। उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने रूपवती से उस जल का हाल पूछा। रूपवती ने कोई बात न छुपाकर जो बात सच्ची थी वह राजा से कह दी। यह सुनकर राजा ने धनपति सेठ को बुलाया और उसका बड़ा आदर सत्कार किया। वृषभ सेना का हाल सुनकर राजा की इच्छा उसके साथ ब्याह करने की हो गई थी और इसीलिए उन्होंने मौका पाकर धनपति से अपनी इच्छा कह सुनाई। राज राजेश्वर, मुझे आपकी आज्ञा मान लेने में कोई रुकावट नहीं है, किंतु आपको खूब उत्सव के साथ अष्टानक पूजा करनी होगी। आपके यहाँ जो पशु पक्षी पिंजरों में बंद हैं, उन्हें तथा कैदियों को छोड़ना होगा। ये सब बातें आप स्वीकार करें तो मैं वृषभ सेना का ब्याह आपके साथ कर सकता हूँ। उग्रसेन ने धनपति की सब बातें स्वीकार की। वृषभ सेना का ब्याह हो गया और सब रानियों में पट्ट रानी का सौभाग्य उसे ही मिला। राजा उग्रसेन के यहाँ बनारस का राजा पृथ्वी चंद्र कैद था और वह अधिक दुष्ट भी था, पर उग्रसेन का तो तब भी यही कर्तव्य था कि वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ब्याह के समय उसे भी छोड़ देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह अनुचित हुआ। पृथ्वी चंद्र की रानी का नाम नारायण दत्ता था। उसे आशा थी कि उग्रसेन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वृषभ सेना के साथ ब्याह के समय मेरे स्वामी को अवश्य छोड़ देंगे, पर उसकी वह आशा व्यर्थ हुई। अपने पति को छुड़ाने के लिए उसने एक युक्ति बनाई और उसमें उसे मनचाही सफलता भी प्राप्त हुई। उसने बनारस में वृषभ सेना के नाम से कई दानशालाएं बनवाई। इन दानशालाओं में बढ़िया से बढ़िया छहों रसमय भोजन कराया जाता था। थोड़े ही दिनों में इन दानशालाओं की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। जो इनमें एक बार भी भोजन कराता वह फिर इनकी तारीफ करने में कोई कमी न रखता था। बड़ी बड़ी दूर से इनमें भोजन करने को लोग आने लगे। कावेरी के भी बहुत से मनुष्य यहाँ भोजन कर जाते थे। उन्होंने इन दानशालाओं की बहुत तारीफ की। रूपवती को इन वृषभ सेना के नाम से स्थापित की गई दानशालाओं का हाल सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही उसे वृषभ सेना पर इस बात से बड़ा गुस्सा आया। मुझे बिना पूछे तूने बनारस में ये शालाएं बनवाई ही क्यों? माँ, मुझ पर तुम व्यर्थ ही नाराज होती हो। ना तो मैंने कोई दानशाला बनवाई है और ना मुझे उस विषय की कोई जानकारी है। ये संभव हो सकता है कि किसी ने मेरे नाम से उन्हें बनवाया हो। इसका शोध लगाना चाहिए कि किसने ये शालाएं बनवाई और क्यों बनवाई। आशा है पता लगाने से सब रहस्य ज्ञात हो जाएगा। तब रूपवती ने कुछ जासूसों को उन शालाओं की हकीकत जानने को भेजा। उनके द्वारा रूपवती को मालूम हुआ कि वृषभ सेना के ब्याह के समय उग्रसेन ने सब कैदियों को छोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी चंद्र को उन्होंने न छोड़ा। यह बात वृषभ सेना को जान पड़े, उसका ध्यान इस ओर आकर्षित हो, इसलिए ये दानशालाएं उसके नाम से पृथ्वी चंद्र की रानी नारायण दत्ता ने बनवाई हैं। रूपवती ने ये सब हाल वृषभ सेना से कहा। वृषभ सेना ने तब उग्र सेन से प्रार्थना कर उसी समय
पृथ्वी चंद्र को छुड़वा दिया। पृथ्वी चंद्र वृषभ सेना के उपकार से बड़ा कृतज्ञ हुआ। उसने इस कृतज्ञता के वश हो उग्रसेन और वृषभ सेना का एक बहुत ही बढ़िया चित्र तैयार करवाया। उस चित्र में इन दोनों राजा रानी के पांवों में सिर झुकाया हुआ अपना चित्र भी बनवाया। वह चित्र उनको भेंट कर उसने वृषभ सेना से कहा, हे देवी, मैं आपका अनंत ऋणी रहूंगा। आपने इस समय मेरा जो उपकार किया उसकी तारीफ में कुछ कहने तक के लिए मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं है। पृथ्वी चंद्र की यह नम्रता, यह विनयशीलता देखकर राजा उग्रसेन उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। मेघ पिंगल उग्रसेन का शत्रु है, यह तो हमने पहले ही देखा है। मेघ पिंगल उग्रसेन से भले ही न डरता हो पर पृथ्वी चंद्र से बहुत डरता है। उसका नाम सुनते ही वह कांप उठता है। यह बात राजा उग्रसेन को मालूम थी, इसलिए अब की बार उन्होंने पृथ्वी चंद्र को उस पर चढ़ाई करने की आज्ञा की। उनकी आज्ञा मानकर पृथ्वी चंद्र अपनी राजधानी में गया और तुरंत उसने अपनी सेना को मेघ पिंगल पर चढ़ाई करने की आज्ञा की। सेना के प्रयाण का बाजा बजने ही वाला था कि कावेरी नगर से खबर आ गई, महाराज अब चढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, मेघ पिंगल स्वयं महाराज उग्रसेन के दरबार में उपस्थित हो गया है। बात यह थी कि मेघ पिंगल पृथ्वी चंद्र के साथ लड़ाई में पहले कई बार हार चुका था, इसलिए वह उससे बहुत डरता था। यही कारण था कि उसने पृथ्वी चंद्र से लड़ना उचित न समझा। तब उसे उग्रसेन की शरण आना पड़ा। अब वह उग्रसेन का सामंत राजा बन गया। एक दिन दरबार लगा हुआ था। राजा उग्रसेन सिंहासन पर अधिष्ठित थे। आज सामंत राजाओं द्वारा जो भेंट आएगी वो आधी मेघ पिंगल को और आधी वृषभ सेना को भेंट होगी। उग्रसेन महाराज की अब से मेघ पिंगल पर पूरी कृपा हो गई थी। आज बहुत से धन दौलत के सिवा दो बहुमूल्य सुंदर रत्न कंबल उग्रसेन की भेंट में आए। उग्रसेन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भेंट का आधा हिस्सा मेघ पिंगल के पास और आधा हिस्सा वृषभ सेना के पास पहुंचा दिया। एक दिन मेघ पिंगल की रानी इस कंबल को ओढ़कर किसी आवश्यक कार्य के लिए वृषभ सेना के महल आई। ऐसा ही एक कंबल वृषभ सेना के पास भी था जो राजा ने दिया था। दुर्भाग्य से मेघ पिंगल की रानी का कंबल वृषभ सेना के कंबल से बदल गया। उसे इसका कुछ ख्याल न रहा और वह वृषभ सेना का कंबल ओढ़कर अपने महल आ गई। कुछ दिनों बाद मेघ पिंगल को राज दरबार में जाने का काम पड़ा। वह वृषभ सेना के इसी कंबल को ओढ़े चला गया। कंबल ओढ़े मेघ पिंगल को देखते ही उग्रसेन के क्रोध का कुछ ठिकाना न रहा। उन्होंने वृषभ सेना के कंबल को पहचान लिया। उनकी आंखों से आग की चिंगारियां निकलने लगी। महारानी वृषभ सेना का कंबल इसके पास क्यों और कैसे गया? इसका कोई गुप्त कारण जरूर होना चाहिए। बस यह विचार उनके मन में आते ही उनकी अजब हालत हो गई। उग्रसेन का अपने पर अकारण क्रोध देखकर मेघ पिंगल को इसका कुछ भी कारण समझ में न आया, पर ऐसी दशा में उसने अपना वहां रहना उचित न समझा। वह उसी समय वहां से भागा और तेज घोड़े पर सवार होकर बहुत दूर निकल गया। उसे भागा देखकर उग्रसेन का संदेह और बढ़ा। तब उन्होंने मेघ पिंगल को पकड़ लाने के लिए अपने सवारों को दौड़ाया तथा क्रोधाग्नि से जलते हुए रानी वृषभ सेना से कुछ भी न पूछकर वृषभ सेना को समुद्र में फेंकवाने का आदेश दे दिया। उस क्रोध को धिक्कार है, उस मूर्खता को धिक्कार है जिसके वश हो लोग योग्य और अयोग्य कार्य का भी विचार नहीं कर पाते। भले ही उग्रसेन महाराज इस बात को न समझें कि वृषभ सेना निर्दोष है, किंतु वृषभ सेना को अपनी निर्दोषता पर पूर्ण विश्वास था। वृषभ सेना अपनी पवित्रता पर विश्वास रखकर भगवान के चरणों का ध्यान करने लगी। तब उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, यदि मैं संकट से बचूंगी तो दीक्षा लेकर अपना सारा जीवन धर्म ध्यान में लगाऊंगी।
उस समय वृषभ सेना की वह पवित्रता, वह दृढ़ता, वह शील का प्रभाव, वह स्वभाव सिद्ध प्रसन्नता देखकर देव भी नतमस्तक हुए। बेचारी निर्दोष वृषभ सेना राजाज्ञा के अनुसार समुद्र में डाल दी गई। लेकिन स्वर्ग के देवों ने उसी समय आकर वृषभ सेना को एक अमूल्य सिंहासन पर अधिष्ठित किया, उसका जय जयकार मनाया। शील सम्राज्ञी रानी वृषभ सेना की जय। शील सम्राज्ञी रानी वृषभ सेना की जय। यह बहुत अद्भुत है। पवित्र शील के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। यही शील आग को जल, समुद्र को स्थल, शत्रु को मित्र, दुर्जन को सज्जन और विष को अमृत के रूप में परिणत कर देता है। शील का प्रभाव अचिंत्य है। वृषभ सेना के शील का महात्म्य जब उग्रसेन को मालूम हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे अपनी बेसमझी पर बहुत पछताए। उन्होंने वृषभ सेना के पास जाकर अपने इस अज्ञान की क्षमा मांगी और महल पर चलने के लिए उससे प्रार्थना की। वृषभ सेना अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ थी, अतः उसने स्वामी को अपनी वैराग्य भावना बताकर मुनिराज के दर्शन की इच्छा प्रकट की। रानी वृषभ सेना उग्रसेन राजा के साथ एक महातपस्वी और अवधि ज्ञानी गुणधर नाम के मुनिराज के पास गए। वृषभ सेना ने बड़ी भक्ति से उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके बाद उसने पूछा, हे योगीराज, मैंने पूर्व जन्मों में ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनका मुझे यह फल भोगना पड़ा? पुत्री सुन, तुझे तेरे पूर्व जन्म का हाल सुनाता हूँ। तू पहले जन्म में नागश्री नाम की लड़की थी। इसी राजघराने में तू बुहारी दिया करती थी। एक दिन मुनिदत्त नाम के योगीराज महल के कोट के भीतर एक पवित्र गड्ढे में बैठे ध्यान कर रहे थे। समय संध्या का था। उसी समय तू बुहारी देती हुई इधर आई। तूने क्रोध करके मुनिराज से कहा, ए ढोंगी, उठ यहाँ से, मुझे झाड़ने दे। आज महाराज इसी महल में आएंगे, इसलिए स्थान को मुझे साफ करना है। मुनि ध्यान में थे इसलिए वे उठे नहीं और ध्यान पूरा होने तक उठ भी नहीं सकते थे। वे वैसे के वैसे ही अड़िग बैठे रहे। इससे तुझे और अधिक गुस्सा आया। तब तूने सब जगह का कूड़ा कचरा इकट्ठा कर मुनिराज को उससे ढक दिया। इसके बाद तू चली गई। बेटा तू तब अज्ञानी थी, कुछ भी न समझती थी, पर तूने वह काम बहुत ही बुरा किया था। तू नहीं जानती थी कि साधु संत तो पूजा करने योग्य होते हैं, उन्हें कष्ट देना उचित नहीं। अस्तु सवेरे राजा आए, वे उधर से ही जा रहे थे। अचानक उनकी नजर उस गड्ढे पर पड़ गई। मुनिराज के सांस लेने से उन पर वह कूड़ा कचरा ऊपर नीचे हो रहा था। उन्हें कुछ संदेह सा हुआ, तब उन्होंने उसी समय उस कचरे को हटाया। देखा तो उन्हें मुनिराज दिखाई पड़े। राजा ने उन्हें तुरंत निकाल लिया। तुझे जब यह मालूम हुआ और आकर तूने उन मुनिराज को पहले जैसा ही शांत पाया, तब तुझे उनके गुणों की कीमत जान पड़ी। तू तब बहुत पछताई। अपने कर्मों को तूने बहुत बहुत धिक्कारा। मुनिराज से अपने अपराध की क्षमा मांगी, तब तेरी उन पर बहुत श्रद्धा हुई। मुनिराज के उस कष्ट को दूर करने का तूने बहुत प्रयत्न किया, उनकी औषधि की और उनकी भरपूर सेवा की। उस सेवा के फल से तेरे पाप कर्मों की स्थिति बहुत कम रह गई। मुनि सेवा के फल से तू इस जन्म में धनपति सेठ की लड़की हुई। तूने जो मुनिराज को भक्तिपूर्वक औषधि दान दिया था, उससे तो तुझे वह सर्वौषधि प्राप्त हुई जो तेरे स्नान के जल से कठिन रोग क्षण भर में नाश हो जाते हैं। और मुनिराज को कचरे से ढक कर जो उन पर घोर उपसर्ग किया था, उससे तुझे इस जन्म में झूठा कलंक लगा। मुनिराज द्वारा अपना पूर्व भव सुनकर वृषभ सेना का वैराग्य और बढ़ गया। बढ़ते वैराग्य की ओर कदम बढ़ाते हुए इन्हीं गुणधर मुनिराज द्वारा दीक्षा ग्रहण कर ली। बच्चों, जिस प्रकार वृषभ सेना ने औषध दान देकर अपने जीवन को सार्थक किया, उसी तरह हमें भी औषध दान आदि चार प्रकार के दान देकर श्रावक धर्म निभाना चाहिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।